नू जिले के गांव सिंगार में नाबालिग दलित युवती को बंधक बनाकर जबरदस्ती करने और धर्म परिवर्तन कराकर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती को आजाद कराकर परिजनों को सौंप दिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अप्रैल को फरीदाबाद से 12 साल की नाबालिग लड़की मां से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गई। कोसी रेलवे स्टेशन पर लड़की की मुलाकात फरजाना नाम की महिला से हुई, जो लड़की को घर ले जाने का भरोसा देकर नू के सिंगार गांव ले गई, जहां महिला ने लड़की का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, महिला ने दलित किशोरी को 40,000 रुपए में गांव के बुजुर्ग को बेच दिया। साथ ही महिला के बेटों ने लड़की से दुष्कर्म का प्रयास भी किया। और मैंने बिनते बोली भी 2-3 बार, बहन मेरे पैसा दे तो जा रू घर पे मैं, और मेरे पे नाई कर दी जिन्हें जान घर पे। किसको बेकार था 40,000 रुपए? बिल्कुल जाके आप जा चीर जाकर खानी है, जाकर खान के बाद। लड़की के गुम हो जाने पर पिता ने फरीदाबाद के सेक्टर 11 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। हाँ, रिपोर्ट कराई है मैंने थाने में, तो रिपोर्ट यूँ कह रही कोई सबूत ही ना, तो लड़की पाई नहीं रही है तो क्या करें, बेचारी बैठ गई। फिर मामले का खुलासा भी फरजाना की हरकत की बदौलत हुआ। दरअसल फरजाना एक शख्स को रेप केस में फंसाने के लिए लड़की का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने पूरी कहानी बयां कर दी। पर्टिकुलर सभी सेक्शंस में FIR दर्ज कर ली गई है। 3 आदमियों को गिरफ्तार, 2 जेंट्स और 1 लेडीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जो शेष बचे हुए 2, 1 लेडीज और 1 जेंट्स है, अगर उनका कोई पार्ट उनको नहीं मिलेगा तो नियम अनुसार कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने फरजाना समेत 2 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया है। नूह से AK बघेल, फोकस हरियाणा।